हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 25 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है इसमें जो हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं उसके पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहां पर आपको जाना है और वहां से आप करंट अफेयर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मैं अनअकैडमी में लाइव पढ़ाता हूँ और वहां पर मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पर भी कई सारे वीडियोस हैं जिन्हें पढ़ के आप बेनिफिट ले सकते हो जीएस का। जीएस में आपको कोई भी क्रैश कोर्स चाहिए तो आप अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे जाके वहां पे आपको मेरा नेम टाइप करना है, दैट इज वरुण अवस्थी, ओके। और वहां पे आपको एसएससी का पूरा कंटेंट जीएस का मिल जाएगा। मेरे 35,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं वहां पर, सभी ये बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आपको भी बेनिफिट लेना है तो आप अनअकैडमी में जाके अवेल कर सकते हैं मेरे सभी कोर्सेज को। डायरेक्ट लिंक भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं वरुण अवस्थी, एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं हूँ वरुण अवस्थी स्टूडेंट क्लब के नाम से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं डेली सिर्फ अननेसेसरी कोई भी करंट अफेयर में डिस्कशन नहीं करूंगा। डेली मैं सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 से 11वां क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा। ये 10 क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशियंट होंगे। आप मेरी वेबसाइट में केस स्टडीज भी अभी जाके देख सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज में भी जाके देख सकते हैं कि किस तरीके का स्टूडेंट्स का फीडबैक है और किस तरीके से मेरे पढ़ाए हुए जीएस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। सो केवल आपको ये डेली के 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद आप खुद ही रिजल्ट देखोगे, चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या फिर इंडिया के किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी हाल ही में प्रसिद्ध मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी है? तो विजेंदर सिंह ने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी है ये हम सभी को पता है। विजेंदर सिंह ने यूपीए की सरकार ज्वाइन करी है, मतलब कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी है। क्या बता सकते हो विजेंदर सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? विजेंदर सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है साउथ दिल्ली। ध्यान रखिएगा, ये साउथ दिल्ली से लड़ रहे हैं, ओके। और अभी हाल ही में गौतम गंभीर ने भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? गौतम गंभीर ने बीजेपी ज्वाइन करी हुई है और गौतम गंभीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। तो ईस्ट दिल्ली गौतम गंभीर की है और साउथ दिल्ली विजेंदर सिंह की है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सनी देओल ने भी बीजेपी ज्वाइन करी हुई है और सनी देओल की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? सनी देओल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुरदासपुर, पंजाब में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में EIU के द्वारा जारी करी गई कैंसर के प्रति जागरूकता लिस्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? EIU का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये जानो, EIU का मतलब है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट जारी करी है कैंसर के प्रति कौन सा देश ज्यादा जागरूक है, इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें रैंक सिक्योर करी है 19th rank, सो 4th one इज द करेक्ट आंसर। और साथ में आपको EIU का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ EIU? EIU का हेडक्वार्टर है लंदन, लंदन, ओके। और ये एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि EIU ने कितने कंट्रीज की लिस्ट जारी करी है? EIU ने इसमें शामिल किया है 28 कंट्रीज को, 28 देशों की लिस्ट ये जारी करी गई है जिसमें से भारत का स्थान है 19वां। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम लोगों ने कल मनाया, ये हम लोग हर साल मनाते हैं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नेंस डे के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला मैंने? नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नेंस डे के नाम से भी इसको जाना जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल पंचायती राज डे, ओके। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल पंचायती राज के बारे में बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 हमें पंचायती राज के बारे में बताता है। और ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये भारत में किस कमेटी के थ्रू आया? ये बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू आया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में पता लगाया कि मरकरी का अंदरूनी हिस्सा ठोस है? मरकरी मतलब समझते हैं ना, मरकरी जो सबसे पास का प्लैनेट है सन के, सन के सबसे पास का प्लैनेट, द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन।
तो अभी हाल ही में पता लगाया है नासा ने। नासा ने ये डिस्कवर किया कि मरकरी का जो अंदरूनी हिस्सा है वो बिल्कुल सॉलिड है, इनर इसका बिल्कुल सॉलिड है। एंड नासा का हेडक्वार्टर क्या है? नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और यहां पर आप एक नया टर्म देख रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोस्कोसमोस। ये जो रोस्कोसमोस है ये कहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है? ये है रशिया की। इसरो आपको बताइए भारत की है और जाक्सा है जापान की। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है नासा। नासा ने पता लगाया कि मरकरी का अंदरूनी हिस्सा ठोस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरुआत हुए अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया? तो अभी हाल ही में अबू धाबी में इंटरनेशनल बुक फेयर स्टार्ट हुआ है, इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। किसको? भारत को। तो इंडिया इस बार एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इसको ज्वाइन कर रहा है। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये कल से स्टार्ट हुआ, 24 अप्रैल से। ओके, भारत की इसमें भारत के 30 पब्लिशिंग हाउसेस यहां पर पार्ट ले रहे हैं, ये चीज अभी आपको ध्यान रखनी है, 30 पब्लिशिंग हाउसेस। और इस बार फोकस कहां पर है? इनका फोकस इस बार होगा महात्मा गांधी के ऊपर, जो स्ट्रगल महात्मा गांधी ने जो स्ट्रगल सहे हुए हैं उनके ऊपर, जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं उनके ऊपर इस बार इनका फोकस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस साल हम लोग महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। अभी हाल ही में यूएन ने अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया? हम लोगों ने यूएन अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया? इसको बोलते हैं यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। तो ये हम लोग मनाते हैं हर साल। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल या 24 अप्रैल, ये मनाते हैं 23 अप्रैल को। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। और यूएन का हेडक्वार्टर क्या है? यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन। और आपको पता है जो ये यूएन है, यूएन की सब्सिडरी है यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये यूएन की सब्सिडरी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ड्यूक जीन, क्या नाम है? ग्रैंड ड्यूक जीन, एक्चुअली इनका नाम है जीन। क्या नाम है इनका? जीन। ग्रैंड ड्यूक जो है ये पद है, ओके, प्रिंस का पद, का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राजकुमार थे? ये कहां के राजकुमार थे? ये थे लग्जमबर्ग के, लग्जमबर्ग के। और लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। और यहां पर करेंसी कौन सी चलती है? लग्जमबर्ग में करेंसी चलती है यूरो। और वियतनाम की कैपिटल हनोई, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, और बोलीविया की कैपिटल सुक्रे। क्या बोलते हैं? सुक्रे, ओके। तो अभी हाल ही में 98 की एज में इनका निधन हो गया। किनका? ग्रैंड ड्यूक जीन का। ये पूर्व राजकुमार है लग्जमबर्ग के। अभी कुछ टाइम पहले एक और न्यूज मैंने आपको अनअकैडमी पर बताई थी कि लग्जमबर्ग वो कंट्री है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में वो कौन सा कंट्री है जिसने अभी सभी ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं अपने सिटीजन्स के लिए, मतलब कि जैसे यहाँ हमारे कंट्री में ऑटो का पैसा लगता है, बस का पैसा लगता है, उसी तरीके से लग्जमबर्ग में कोई पैसा नहीं लगता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले भारतीय मूल के जापानी है जिन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो वर्ल्ड असेंबली का चुनाव जीता है। कौन है? ये है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पुराणिक योगेंद्र। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पुराणिक योगेंद्र। तो जो पुराणिक योगेंद्र है ये पहले भारतीय मूल के जापानी है जिन्हें वहां पर टोक्यो वर्ल्ड असेंबली में इस बार इलेक्ट किया गया है सक्सेसफुली। तो इट इज अ प्राइड मूवमेंट फॉर इंडिया, भारत के लिए सम्मान की बात है। तो ध्यान रखिए क्या नाम है इनका? इनका नाम है पुराणिक योगेंद्र। और अभी वीडियोस में थोड़ा सा मजाकी तौर पर ऐसा भी बोला जा रहा है कि योगी सरकार जापान में भी, तो योगेंद्र से इनको योगी नाम टैग दिया जा रहा है, निकनेम दिया जा रहा है। बेसिकली वो एक अलग बात है, बट इनका नाम ध्यान रखिएगा पुराणिक योगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना की पहली किस्त आने के बाद, बोला मैंने पीएम किसान योजना की पहली किस्त आने के बाद हाल ही में भारत सरकार की घोषणा के अनुसार कितने किसान इस स्कीम से लाभान्वित होंगे? पीएम किसान योजना के तहत मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि भारत सरकार 6000 रुपए पर एनम देगी, साल में 6000 रुपए देगी। ये तीन इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, 2000 2000 2000, ओके। तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है 31 मार्च तक सभी के खातों में, तो इसके बाद अभी भारत सरकार ने हाल ही में
अनाउंस किया है कि जो पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है इसके तहत पूरे भारत भर से कितने किसान लाभान्वित होंगे। तो पूरे भारत भर से 12 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। कितने? 12 करोड़, ध्यान रखिएगा, 12 करोड़ किसानों को बेनिफिट इसका मिलेगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पीएम किसान योजना है इसका टोटल एस्टिमेट कितना है। तो आपको ध्यान रखना है इसका टोटल एस्टिमेट है 75,000 करोड़। कितना है? 75,000 करोड़ रुपए। तो ये दो फिगर ध्यान रखिए, 75,000 करोड़ रुपए इसका टोटल एस्टिमेट है और 12,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबर के अनुसार भारत किस देश से क्रूड ऑयल के आयात पर पाबंदी लगाएगा। तो हम सभी को पता है हाल ही में यूएस के फाइनली प्रेसर के बाद भारत ने डिसाइड किया है कि भारत ईरान से अब तेल नहीं खरीदेगा। तो ईरान से अभी तक हमें सस्ते दामों में तेल मिलता था, लेकिन अब हम ईरान से तेल नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि ईरान को बहुत पहले से यूएस मना भी कर रहा है कि वो अपने यहां से टेरर फंडिंग ना होने दे और उसको एक टेरर राष्ट्र का दर्जा भी यूएस दे चुका है। तो इन सारी चीजों के चलते अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है कि कोई भी कंट्री यूएस सैंक्शन को फेस किए बिना ईरान से संबंध नहीं रख सकता, और अगर यूएस सैंक्शन को फेस करना है तो फिर ऑब्वियस ही बात है ये गलत होगा उस कंट्री से व्यापार करना जो कंट्री टेरर फंडिंग कर रहा है। अब इस केस में भारत के पास विकल्प क्या होंगे? भारत के पास विकल्प होगा सऊदी अरेबिया। तो हम सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट कर पाएंगे क्रूड ऑयल। ओके, सो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ईरान। ईरान से अब भारत तेल आयात नहीं करेगा, हम ईरान से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए, होपफुली सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और जो लोग अनअकैडमी में मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, या फिर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में आप इंटरेस्टेड है, वहां पर अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इट इज varun.awasthi90s-8150। अगर आप इसका यूज करेंगे तो वहां पर 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी चैनल नया है मेरा यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहले वाला चैनल अब मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, ये वाला चैनल मैं चलाऊंगा। तो जीएस की अगर कंटिन्यूटी में आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आप चाहते हो स्कोर करना जीएस में 80% प्लस दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू, तो इस लाल क्रांति में मेरा साथ दीजिए। वीडियो के नीचे जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो डेली आपको एज ए नोटिफिकेशन वीडियो मिल जाए। Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye-bye.